एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं उज्जैन, तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सो वेलकम टू माय चैनल मैथिली गर्ल। तो एकदम सडन प्लान हुआ और हम लोग सुबह 4 बजे पहुंचेंगे, तो मैं डायरेक्ट अभी हमारा आगे का व्लॉग आपको मिलेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, अभी हुई सुबह और हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। हालांकि सुबह है लेकिन अभी अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे मॉर्निंग एवरीवन, तो मेरी सुबह हुई है उज्जैन में। तो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है मेरे लिए, मामी के लिए और मामा के लिए भी। तो वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी आज क्या है, क्योंकि आज हम लोग पहले दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम कॉरिडोर जाएंगे, तो आगे का वीडियो हम वहाँ पे लेंगे। अभी हम लोग चाय पीने के लिए आए थे, तो मामी आपको कैसा लग रहा है बोलो। बहुत आनंद आ रहा है। हम लोगों ने महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए, अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो फिर हम लोग अंदर से कुछ भी मतलब वीडियो में ले नहीं पाई। तो मैं बताती हूँ, तो आज है मेरा बर्थडे और मामी मामा की एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मामी मामा। तो अभी हम लोग जा रहे भारत माता के मंदिर के लिए, तो फिर हम आगे मिलते हैं। हम लोग आए हैं मंगलनाथ मंदिर, जय भोलेनाथ। तो ये बाहर का व्यू काफ़ी जगह अच्छा है। ये मामी फ़ोटो ले रही है, ये है मामा और ये है पूरा मंदिर। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए है अभी ईश्वर मंदिर, हमने भोलेनाथ जी की पूजा भी कर ली है। अभी मामा और मामी फ़ोटो खींच रहे हैं और हम लोगों ने पूजा कर ली है, तब हमने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए क्योंकि हम पूजा कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे गौशाला भी, हम गौशाला भी जाएंगे। यहाँ नंदी है और यहाँ देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट थी, तो यहाँ पे बच्चा बैठा था, मैंने सोचा मैं इसे ही दे देती हूँ, लेकिन वो स्टार्टिंग में थोड़ा डर रहा था तो ले नहीं रहा था, लेकिन फाइनली फिर उसको चॉकलेट दी और उसने ले ली। और वो आए हैं काल भैरव के मंदिर, ये फूल लिए हमने चढ़ाने के लिए और यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। थिरम मंदिर, तो जय जगन्नाथ भगवान। तो ये पीछे का बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे ये तुलसा जी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नारियल के पेड़ में नारियल नहीं दिख रहे बच्चा। सिद्धि माता के मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी मंदिर में फ़ोटो नहीं ले सकते गर्भगृह में, बाकी बाहर से ले सकते, इसलिए मैंने फिर बाहर से थोड़ा सा जूम किया। और दर्शन करते करते हो चुकी है थकान, तो अभी हम लोग हरसिद्धि माता के मंदिर आए थे, हमने दर्शन भी कर ली। अभी हम थोड़ा कुछ खा ले, उसके बाद हम लोग फिर वापस जाएंगे कॉरिडोर घूमने, क्योंकि हमने अभी तक कॉरिडोर घूमा नहीं है ना, उसके बाद हम कॉरिडोर जाएंगे शाम को, फिर आपको बताऊँगा। तो सबसे ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं जो बहुत सारे, और अभी जो शिवरात्रि आएगी तो बहुत रौनक होगी। तो मैं आपको बताऊँ उज्जैन में 84 जो कि दर्शन करना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट हम नहीं कर सकते, आज जितने हुए हम लोग सारे। बेस्ट बर्थडे था अभी तक का, क्योंकि तो पहला और स्पेशल बर्थडे है, क्योंकि मैं उज्जैन आई ना, मतलब इससे सडनली सब कुछ एकदम सडन हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम आए थे शॉप पे क्योंकि मैं पर्स लेना था, तो यहाँ पे देखिए इतना सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इयरिंग्स भी है और यहाँ पे थोड़ी ज्वेलरी यानी नेकलेसेस भी है, लेकिन हमें पर्स अच्छा नहीं लगा था, फिर हम यहाँ से चले गए विक्रमादित्य टेला। और कॉरिडोर में आपको दिखाती हूँ जो लाइटिंग दिख रही है आपको, ये है कॉरिडोर जो अभी अभी नया बना हुआ है, और ये है छिपरा नदी। कॉरिडोर की शुरुआत, क्योंकि कॉरिडोर देखना है तो रात में, अभी तो एंट्रेंस है सिर्फ, अभी तो आगे जाना बाकी है। तो इतना सुंदर है कॉरिडोर का एंट्रेंस, इवन यहाँ पे आप देखिए मैनेजमेंट इज देखिए।
तो काफ़ी सुंदर दृश्य है, काफ़ी मेहनत लगी है इस कॉरिडोर को बनाने में, वो दिख ही रहा है और बहुत ही लंबा है। जितना आप घूमो ना कॉरिडोर उतना ही कम है, तो मैं जितना भी देखूंगी मैं कोशिश करूंगी आपको उतना सब कुछ बता सकूं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है, एक्चुअली प्रॉपर में आप देखो तो ये जिस पर पैर रखा है वो यमदूत है और महादेव जी ने यमदूत के ऊपर पैर रख रखा है, तो ये कुत्ते के ऊपर मतलब सॉरी जो बैठे हुए हैं वो है काल भैरव। तो ये है शिवलीला का शिव, तो ये है कॉरिडोर की सुंदरता। आज मेरा उज्जैन का व्लॉग कंप्लीट होता है क्योंकि अब 10:30 बज चुके हैं, 12:30 की हमारी अहमदाबाद की ट्रेन है और हम जाएंगे। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताना भूलना मत कि व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा।